मध्य प्रदेश के आष्टा नगर में लंबे समय से चल रही लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा क्षेत्र में कई महीनों से चल रही बैंकों से रेकिंग कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। पिछले कुछ महीनों से कस्बा आष्टा क्षेत्र में बैंक से नकदी ले जाते वक्त उनकी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे मैला लगे होने का कहकर उनका रुपयों का बैग चुराने एवं एटीएम की तोड़फोड़ करने जैसी घटनाएं बढ़ रही थी, जिस पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक सीहोर एसएस चौहान के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव के निर्देशन में टीम गठित की गई। आष्टा थाना प्रभारी अरुणा सिंह के कुशल नेतृत्व में टीम ने छानबीन शुरू की। एक मामले में फरियादी लखन पाटीदार निवासी आरोलिया से 2 मई को बैंक ऑफ इंडिया खाते से 86,000 निकाल झोले में पासबुक व रुपए मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था, जिसे अज्ञात द्वारा बोला गया कि मोटरसाइकिल में मैला लगा हुआ है। जब फरियादी पीछे देखकर मैला साफ करने लगा तो अज्ञात व्यक्ति उसका बैग उड़ाकर ले गया। सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिरों की मदद से आरोपी राजू निवासी झोला भोपाल को संदिग्ध हालत में आईसीसी बैंक के सामने घूमते हुए पाया गया। गतिविधियां संदिग्ध होने पर सूचना एवं वीडियो फोटेज के आधार पर उक्त युवक से पूछताछ की गई और जांच की गई तो आरोपी ने 3 अपराध स्वीकार किए। आरोपी के पास से लूट के 7300 और दूसरी लूट के 4500 रुपए जब्त किए गए हैं। साथ ही फरियादियों के कुछ कागजात भी उसके पास से जब्त किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त चोरी का माल भी बरामद किया गया है। आरोपी से अभी भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि और भी कई चोरियों में उक्त व्यक्ति की मिलीभगत होने की संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तार किया है जो बैंकों से जो उपभोक्ता पैसे लेके जाते थे उनके बैग वगैरह छीन लेते थे और एक एटीएम में तोड़फोड़ किया। तो क्या है आरोपी का मामला और कितनी राशि जब्त हुई है? ये संदिग्ध रूप से घूमते पाए जाने पे राजू सनफ रामू जाति शेट्टी बता रहा है, उम्र करीब 28-29 साल रहने वाला ये भोपाल का बता रहा है, भोपाल छोला मंदिर के पास में। उसके मुखबिर के सूचना पर और वीडियो फुटेज के आधार पे आरोपी को हिरासत में संदिग्ध अवस्था में बैंकों के पास में एटीएम के पास में घूमते पाए जाने से पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा दिनांक 2/5/19 एवं 20/5/19 को बैंक ऑफ इंडिया और SBI इंदौर शाखा से चोरी करना, जो उपभोक्ता रहते हैं पैसे लेके जाते हैं उनके बता के कि तुम्हारे इसमें मैला लगा हुआ है मोटरसाइकिल पे और ड्रेस पे, उनको ध्यान डाइवर्ट करके उनके पास से जो बैग में भरा हुआ रकम रहती है वो लेकर भागे थे। उक्त दिनांक को 2/5 को 86,000 रुपये फरियादी से लिए गए थे और 20/5 को करीब 42,000 रुपये जब वो बैंक एटीएम से निकाल के जा रहा था तो उससे चोरी करके फरार हुए थे। एटीएम भी तोड़ा है। तथा ये ओरिएंटल बैंक है, इसमें भी इन्होंने तोड़फोड़ करने के बाद स्वीकार की है आरोपी ने। कितने पैसा बरामद हो गया सर? इसके द्वारा रकम खर्च कर दी है। एक जो बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ से जो वारदात हुई थी उसमें 7,300 रुपये तथा जो बैंक ऑफ इंदौर है SBI इंदौर शाखा है उससे करीब 4,500 रुपये तथा जो दस्तावेज हैं फरियादी के जो लेके जा रहा था वो बरामद हुए हैं। और भी प्रकरण इससे पूछताछ आज उसको न्यायालय में पेश किया गया है जहाँ से उसे जेल पे ले जा गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।